जिले के गोलघर स्थित बलदेव प्लाजा सहित कई मार्केट और कस्बों में जीएसटी के छापे के डर से कई दुकानें बंद रही। आपको बता दें कि प्रदेश के कई जनपदों में कारोबारियों पर जीएसटी टीम की छापेमारी चल रही है, क्योंकि व्यापारी कच्चा बिल बनाकर जीएसटी में घपला करते हैं, जिससे राजस्व का नुकसान होता है। जिसके डर से जनपद के गोलघर स्थित बलदेव प्लाजा सहित कई मार्केट और कस्बों में अधिकतर दुकानदार दुकानों को बंद किए हुए थे, लेकिन जिले में जीएसटी की छापेमारी सूचना नहीं मिली। जिसके संबंध में गोलघर बलदेव प्लाजा के दुकानदारों ने बताया कि अधिकतर लोग शटर बंद करके रख रहे हैं, लेकिन अभी कोई भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जीएसटी टीम आई हुई है और दुकानों पर छापा डाल रही है। 3 दिनों से पूरे मार्केट में यही हाल है। डर की वजह से दुकानें खुल रही हैं और बंद हो रही हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग समय पर जीएसटी भरते हैं, लेकिन तब भी लोग डरे हुए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोलघर बलदेव प्लाजा के व्यापारी अशोक कुमार और मनीष नागलिया ने कहा, अशोक कुमार बंद है क्या मामला? नहीं पता, बस शटर सबके सबने गिराने शुरू किए, हम लोग भी गिरा रहे हैं सब। बताया जा रहा है कि जीएसटी का छापा पड़ा है। अब यहाँ तो नहीं पड़ा, यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैक्सिमम सब लोग जीएसटी सब टैक्स सब देते ही हैं सब। क्या बात है आगे दुकानें बंद? अब कोई आवे तब ना पता पड़े, ऐसे क्या कुछ पता, जानकारी नहीं है किसी, कोई सूचना नहीं है। बस सब लोग सब देखा था कि शटर नीचे गिरा रहे हैं, सब गिरा रहे हैं नीचे, देखा देखी गिराया जा रहा। मनीष नागलिया। दुकानें बंद है क्या मामला? मार्केट में हल्ला हुआ, जीएसटी वाले आए हैं, 2-3 दिन से यही सब चल रहा है। दुकान खुल रही है बंद हो रही है, खुल रही है बंद हो रही है। यहाँ की दुकानें पड़ा नहीं है, लोग कहे कि कोई आया कि यहाँ टीम आ रही है, रेती वाले यहाँ का हल्ला कर रहे हैं। बस वही रूमर पे जो है एक शटर गिरता है तो लोग खटाखट देखा देखी जो है बंद कर रहे हैं।